सीरियल अनुपमा में आप तक आप सभी ने देखा कि अनुज अनुपमा यहाँ पर आध्या को देखकर चिल्लाते हैं लेकिन आध्या उसे इग्नोर कर, कर गाड़ी में बैठ जाती है ऐसा दिखाया गया और यहाँ आध्या एक लेडी के साथ दिखाई दे रही है जिसका नाम यहाँ मेघा है और ये यह लेडी यहाँ पर आध्या को प्रिया कह रहे लेकिन आध्या को प्रिया बोलने के पीछे की उसकी क्या वजह है तो आपको बता दे कि मेघा अपनी बच्ची यानी कि प्रिया को सालों पहले खो दी चुकी थी और उसकी शक्ल हु बहू यहाँ पर जो है आध्या जैसी थी इसलिए अब आध्या को वो अपने घर लेकर आई है और प्रिया जैसा उसे बनाना चाह रहे है यहाँ तक कि जब यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है आध्या की मुझे बाहर जाना है क्योंकि घर में रहकर मेरा दम कूटने लगा है तो यहाँ पर मेघा उसे बाहर नहीं जाने देती उसे डर लगता है कि कहीं ये भी उसकी बेटी जो है उसे छोड़कर ना चली जाए लेकिन तभी यहाँ पर मेगा के हस्बैंड आकर आकर कहेंगे तुम बच्ची को ऐसे जबरदस्ती नहीं रख सकती अपने पास उसे थोड़ा तो आज़ादी दो तो वहीं आधा को ऐसा लग रहा है उसकी माँ से बचाने नहीं आएगी लेकिन यहाँ अनुपमा यहाँ जो है दुआ कर रही है दूसरी तरफ आप सभी देखने वाले हैं कि कहानी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आएगा जब यहाँ पे गार्वज एरिया से आप सभी को इंदिरा जी दिखाई देंगे जी हाँ आशो के अंदर इंदिरा जी ने फोन नहीं किया इस पर बात हो रही है लेकिन अब कूड़े के ढेर के बीच में से इंदिरा जी मिलेंगे जहाँ पर सभी लोग वीडियो फुटेज और सब बनाने लग जाएंगे जिससे अनुपमा नाराज हो जाएंगी उन लोगों पर लेकिन जैसे तैसे एक ठेला अरेंज करेंगे उस पर यहां इंदिरा जी को लेटा वापस घर लेकर आने वाली अब क्या होगा देखना होगा बेहद